अगर जीवन के शुरुआत के 25 साल आपने मेहनत कर ली तो आगे की जिंदगी 25 साल वाली आपकी अच्छी होगी, ये मान लेना। और शुरुआत के 25 साल में अगर आप बाइक लेके घूमते हो, लड़कों को क्या देखा है आपने, कॉलेज पास आउट करते हैं, छोटे मोटे दादा बनते हैं, आराम से बाइकों पे दो दो दिन घूमेंगे, गाड़ी को यूं यूं लहराएंगे, लड़कियां खड़ी है तो सीटी बजाएंगे या कुछ और करेंगे, या स्कूल के बाहर रहकर उनको ताड़ते रहेंगे, बदतमीजी करेंगे, ये चीज़ करते हैं, क्या ये चीज़ सही है क्या? हाँ बताओ। अब देखो, लड़कियों की जनसंख्या यहाँ ज़्यादा है, लड़के गायब है, क्यों गायब है? क्योंकि इनको पढ़ाई की वैल्यू नहीं पता। आप एक बार बताओ, आप लोग यहाँ से बन के अगर कुछ जाओगे कहीं, फिर किसी दिन यहाँ के बच्चों को आकर बताओगी कि देख मैं यहाँ बैठती थी हमेशा, और मैं यहाँ पढ़ी थी, और इस स्कूल से मैंने पास होकर मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, और आप लोग भी पहुँच जाओगे तो मैं आप लोगों की जैसे 9 से लेकर 12 तक गवर्नमेंट स्कूल में रही हूँ। और मेरा ऐसा है कि 10th में हमारी साइंस वाली मैडम आती ही नहीं, उनका सिलेबस कभी कम्प्लीट ही नहीं, ना 9th में हुआ ना 10th में हुआ। तो साइंस में तो हम भगवान से ये प्रार्थना करते थे भगवान पास करवा दें, पर विद डिस्टिंक्शन मैं 10th में पास हो गई, सारे सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन मेरी है ना, और मैं मेरे गवर्नमेंट स्कूल की टॉपर थी। तो ऐसा नहीं है, आप लोग करोगे, जैसे मुझे सुविधाएं मिली गवर्नमेंट स्कूल से उस हिसाब से मैंने वहाँ टॉप किया, मैंने वहाँ कंटिन्यू, मैं जिस जिस स्कूल मैंने मेरे हर बोर्ड एग्जाम टॉप किया, मैं 8th में मेरे स्कूल की टॉपर थी, मैं 10th में मेरे स्कूल की टॉपर थी, मैं 12th में मेरे स्कूल की टॉपर थी कॉमर्स की, और मैं जिस कनोडिया कॉलेज में गई मैं मेरे कॉमर्स की वहाँ पे फाइनल ईयर में भी पूरे 3 सालों की टॉपर थी। पर मैं गवर्नमेंट स्कूल से तो थी, पर मेरा एम ये था, और मैं देखो पढ़ने में बहुत अच्छी नहीं, मेरा IQ इतना वीक है कि मैं 4 एक चीज़ नहीं पढ़ लूँ ना तब तक मुझे याद नहीं होता, 4 मुझे एक बार 4 मैं हिस्ट्री पढ़ लूँ ना तब तक मुझे याद नहीं होता, इसलिए मुझे समय ज़्यादा लगा। पर सब लोग ऐसे नहीं है, किसी को एक बार नहीं याद हो जाते, आप लोगों में से भी होंगे ऐसे बच्चे, एक मैम जो मुझे 4 में याद होता है, जब मैं यहाँ पहुँच सकती हूँ तो आप क्यों नहीं पहुँच सकती? लेकिन इसके लिए आपको सब सोचना पड़ेगा, जैसे ही 12th पास करोगे आप लोगों की शादियों की प्लानिंग भी चल रही होगी आपके घरों में, लेकिन विरोध करोगी सच में, मजाक नहीं है, सच में पढ़ोगी नहीं तो घर वाले ऐसे ही करेंगे, और अगर पढ़ोगी और अपना जज्बा और ये रखोगी ना मुझे शादी नहीं करवानी मुझे पढ़ना है, तो आपके माँ बाप आपको पढ़ने से रोक नहीं सकते। और रही बात सिलेबस की, मेरे नंबर नोट कर लेना आप लोग, 12th जैसे ही पास करो क्या पढ़ना है मैं बता दूंगी, RS में IAS मैंने दी नहीं कभी तो मुझे उसका पता भी नहीं है, ठीक है, जो मैं जानती हूँ वो बता सकती हूँ आप लोगों को, मेरे नंबर नोट कर लेना, 12th के बाद में मैं जहाँ भी रहूँ मुझे बता देना, मैडम हम मुनियारा की स्कूल से बोल रहे हैं, तैयारी करनी है रियलिटी में, मैं आपको अच्छा कोचिंग बता दूंगी, अच्छा कोचिंग बता दूंगी, आजकल तो ऑनलाइन चीज़ें हैं बहुत सारी, ठीक है, मैं आपको मटीरियल भी बता दूंगी कि कहाँ से आपको स्टडी करनी हो ना